नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिनी किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और मैं देह के पुल पर खड़ी लड़की, कृष्ण नागपाल का उपन्यास है। कृष्ण नागपाल हरियाणा के पानीपत शहर में पैदा हुए, 46 सालों से साहित्य और पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से प्रकाशित कई अखबारों में उन्होंने विभिन्न पदों पर नौकरियाँ की और 1996 से साप्ताहिक विज्ञापन की दुनिया का प्रकाशन कर रहे हैं। 2009 से उन्होंने नागपुर और सूरत से राष्ट्र पत्रिका नाम के अखबार का प्रकाशन शुरू किया। जंगल में भटकते हुए यात्री इस नाम से उपन्यास आ चुका है। जला हुआ आदमी और काला इतिहास कहानी संग्रह प्रकाशित है। अजगर और मेमने शब्द बाण संग्रह है। चुप नहीं रहेंगी लड़कियाँ, ये उन खबरों की कहानियाँ हैं जो खबरें इनकी नज़र से गुजरी हैं। और इसी तरह की एक और पुस्तक आईना तो देखो जरा प्रकाशित है। बहुत सारे उपन्यास पर और उनकी रचनाओं पर बहुत सारे पुरस्कार पा चुके हैं। देह के पुल पर खड़ी लड़की पत्रकारिता जगत में होने वाले व्यभिचार, भ्रष्टाचार, खुलेपन और पत्रकारिता के व्यवसाय में बदल जाने का उपन्यासात्मक आख्यान है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि नागपुर शहर होगा, हालांकि उन्होंने उपन्यास में शहर का नाम बदल दिया है, पात्र के नाम भी बदल दिए हैं। लेकिन इसे पढ़ते हुए कोई भी यह समझ सकता है कि उपन्यास की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से वही शहर है जहां कृष्ण नागपाल ने अपनी कर्मभूमि बनाई। अखबार का दफ्तर होता है, अखबार के दफ्तर में किस तरह से वरिष्ठ संपादक और पत्रकारों का प्रभावशाली नेताओं, ठेकेदारों, उद्योगपतियों, चिकित्सा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इन लोगों के साथ यानी समाज का जो सक्षम तबका है उसके साथ मिलकर किस तरह से पूरे के पूरे शहर के बारे में, वहाँ व्याप्त जनमानस के बारे में, वहाँ उपस्थित संपदा के बारे में किस तरह से उनका कब्जा होता है, किस तरह से वे अपने हित में चीज़ों को तोड़ते और मरोड़ते हैं, यह उपन्यास उसी की बात करता है। लेकिन इस बदलाव के दौर में लड़कियों की क्या भूमिका है, किस तरह से लड़कियाँ बिंदास होकर जीवन जीती हैं, किस तरह से लड़कियां विज्ञापन लाने में सहयोगी होती हैं, किस तरह से समाज के दूसरे वर्गों की लड़कियों को किसी भी तरह का उपक्रम करने में कोई दिक्कत नहीं है, देह अब लड़कियों के लिए कोई बंधन नहीं है बल्कि उनकी तरक्की को पाने का साधन है, यह इस उपन्यास में उन्होंने लगभग हर पृष्ठ पर इस तरह की बात कही है, लिखी है। और जो कथा है उस कथा की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के जो पत्रकारिता में ईमानदारी का झंडा उठाने के चलते लगभग पागल स्थिति में है, जिसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली जाती है, उसके पास अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। वह एक शराब की दुकान के सामने खड़ा होता है और वहाँ नारे लगाता है, तरह तरह की गज़लें और नज़में गाता है, क्रांति की बात करता है, पास को पढ़ता है, कैप को पढ़ता है, दूसरे लोगों को पढ़ता है और फैज़ को पढ़ता है। और इन लोगों की रचनाओं को पढ़ के जब कोई आता है कुछ पैसे दे देता है तो जितनी बार पैसा मिलता है वो खाने की जगह सामान खरीद लेता है। और यहाँ से कहानी बढ़ती है कि पत्रकारिता में जो लोग ईमानदारी का परचम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने बदलते हुए समय के साथ अपने को नहीं ढाला है, उनका जीवन अंततः क्या होता है, उनके परिवार में क्या होता है, पत्रकारिता जगत में खासकर प्रिंट मीडिया में किस तरह से पत्रकारिता और नेता, राजनीति, ठेकेदार और दूसरे वर्गों का जो प्रभाव बढ़ा है, वह किस तरह से खबरों के साथ खेलता है और अपने को दिनों दिन समृद्ध करता जा रहा है, इसकी वानगी इस उपन्यास में है। यह उपन्यास एक पत्रकारिता जगत के व्यक्ति द्वारा जो खुद संपादक रहा है, जिसके पास खुद अपने संपर्कों का दायरा बहुत बड़ा है,
उसने इस बात को लिखा है, तो आप यह समझ सकते हैं कि इसमें सच्चाई जरूर होगी। हालांकि उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद यह बात कहने से लोग कतराते हैं, ऐसे विषयों को लिखने से कतराते हैं। इस उपन्यास में भी यह बात है कि जब नए अखबार के बारे में वहाँ पे पड़े एक छापे में अखबारों के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार लोग पकड़े गए, अपराध बीट कवर करने वाले पत्रकार पकड़े गए, तो वह खबर किस रूप में नहीं छपी। उन्होंने यह भी लिखा है कि मीडिया के बारे में खबरें नहीं छापता है, नहीं दिखाता है, और यह एक ऐसी कड़ी है जो किसी लिखित नियम से नहीं बधी है, लेकिन नैतिक रूप से हर संस्थान इस बात का पालन करता है। अगर आप पत्रकारिता जगत में हुए बदलावों को समझना चाहते हैं, उपन्यास के रूप में, कथा के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो देह के पुल पर खड़ी लड़की को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास को अमन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 195 रुपये और पृष्ठ संख्या है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।